हेलो स्टूडेंट सो टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू माई नेम इज कमल सैनी ओके सो आई विल टॉक टू इन हिंदी लैंग्वेज तो आज यार अपन बात करते हैं गेट के बारे में बहुत सारी मेरे पास क्वारी जा रही है ठीक है आई एंटरप्रन्य इंजीनियर ओके सो रिगार्डिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड योर जॉब सेंटेंस यू कैन सब्सक्राइब नाउ दिस फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल

कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आईआईटीएन बच्चे में प्रोफाइल पे जुड़े हुए हैं ठीक है तो आप सबसे कनेक्ट हो सकते हो वैसे ओके अब अपन बात करते हैं गेट के बारे में आ, सो यहाँ पे आपके एग्जाम जो है पंद्रह तारीख से हो रहे सॉरी 5 वगैरह से आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं एडमिट कार्ड के अंदर रूल्स वगैरह आए हैं कि आपके एग्जाम हो रहे हैं लेकिन एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है यानी कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं मेरी तरफ से आपको मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ क्या है रियलिटी क्या है ठीक है आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे हजारों वीडियोस बनते हैं पर डे रिगार्डिंग गेट ऐसे हो गया रिय ऑफिशियली कंफर्म हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया ठीक है तो यार गेट का जो ए, दो इसके अंदर इश्यू है बड़े इश्यू है ओमिक्रोन के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं सभी को पता है ठीक है ऑल स्टेट के अंदर चाहे अभी मैं जयपुर की बात करूँ लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है राइट एग्जाम होना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है ओके स्टूडेंट जैसे मैं पटना के अंदर रहता हूँ ओके और जैसे मैंने मेरा सेंटर पटना में लगाया था ओके वैसे मेरा होम टाउन राजस्थान है जयपुर है तो मैंने मेरी जो सिटी सेलेक्ट की थी पटना मेरा सेंटर पटना के अंदर ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम पटना के अंदर है एडमिट कार्ड के अंदर पटना लिखा गया है अब मैं जयपुर से पटना नहीं जा सकता दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस जो भी पेंडेमिक चल रहा है उसके अंदर अगर मैं जाऊं भी तो जैसा मुझे एरोप्लेन करना पड़ेगा ट्रेन करना पड़ेगा टिकट करनी पड़ेगी वहां पे रहूंगा कहाँ या नहीं रहूँगा चाहे वो कोई स्टूडेंट्स मेरा दिल्ली का हो दिल्ली में रह रहा हो प्रिपरेशन कर रहा हो और बिहार का हो तो उसका बहुत बड़ा इश्यू है तो वो लोग जो भी है चाह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और होना भी चाहिए ठीक है और ये जो है आईआईटी वाले भी समझते हैं उन्होंने यही बात की है बिल्कुल सेम टू सेम ठीक है यही वो लोग भी यही बात समझते हैं एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने प्रिपरेशन पहले बहुत कम की थी और अभी जचा के लगे हुए हैं प्रिपरेशन पे वो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया अगर हमें एक महीना अगर मिल जाए तो हम फाड़ सकते हैं गेट के अंदर ठीक है गेट 2022 को हम आसानी से फोड़ सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से ला सकते हैं ठीक है तो दो क्राइटेरिया हो गए जो कि बच्चे चाह रहे हैं पोस्टपोन हो जाए एक दो इश्यू और भी बहुत सारे बच्चों के इश्यू होते हैं ठीक है कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट कहीं और रह गए अभी वो कहाँ पे है दूसरी जगह पे है मामा के आ गए चाचा के यहाँ आ गए अब दूसरे बच्चे जो है वो चाहते हैं कि जो है ना हो ठीक है उनका अपन इश्यू सुन लेते हैं क्या इश्यू उनका फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो पी एच यूज में जाना चाहते हैं ठीक है एम टेक या आई आई टी एन आई टी वहां पे बहुत कम जाते हैं लोग ठीक है इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट uh, घर की कंडीशन इंडिया के अंदर ठीक uh, ठाक होती है तो बच्चे मतलब ठीक ठाक नहीं होती है कंडीशन तो बच्चे यही चाहते हैं कि हम पी एस यूज में जाए भैया अच्छी खासी जॉब वगैरह हमें मिल जाए इसलिए गेट का एग्जाम देते हैं। लेकिन क्या है ना कि कुछ पी एस यूज के अंदर एज लिमिट होती है जैसे कि अगर मैं बात करूं टाटा की या फिर आप कोई सी भी ले लो रेंडमली ठीक है जैसे कोई अगर मान लो मेरी एज अभी ट्वेंटी सेवन हो गई है सत्ताईस साल अगर मेरी हो गई है इस साल ठीक है और अगर ये ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे पोस्टपोन होता रहता है तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा इश्यू आता है डॉक्यूमेंट वगैरह के अंदर एज का बहुत ही बड़ा फैक्टर है ठीक है चाहे जैसे मैं जनरल कैटेगरी से हूँ एस सी एंड अदर तो फिर यार वो एक बड़ा प्रॉब्लम है अब सेकेंड इश्यू है कि यार मेरा अटेम्प्ट भी तो है जैसे मैंने थर्ड ईयर के अंदर एग्जाम दिया फोर्थ ईयर में एग्जाम दिया अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं हम हाँ, हमेशा एग्जाम देता रहूं। या मैं प्लेसमेंट लू या फिर मैं कहीं अच्छी पढ़ाई करूँ तो यार अटेम्प्ट का एक बहुत बड़ा इश्यू है अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटर्नशिप के लिए जाना है अभी जो उनका लास्ट ईयर है अभी इनके इंटर्नशिप सेशन मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे अभी तो यार वो बच्चे ये चाह रहे हैं कि भैया हमारा जल्द से जल्द हमने अच्छी से प्रिपरेशन कर रखी है अब हम इंटर्नशिप के बिजी हो जाएंगे और जो है हमारा गेट का भी अच्छा अच्छा नहीं हो पाएगा पे इंटर्नशिप में भी हम अच्छा नहीं पोड़ पाएंगे तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एग्जाम को पोस्टपोन ना करें बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं इंटर्नशिप इश्यू का बहुत सारे बच्चे की अदर जो है एग्जाम्स वगैरह तो ये सारा सीन चल रहा है ठीक है तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा जो इश्यू लगा मुझे जो बताया गया है स्टूडेंट से टीचर से जो कंसर्न हुआ है उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया है कि जो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो यही है कि आ, अदर सिटीज के अंदर है बहुत सारे बच्चे ठीक है एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर गेट वाले जितने भी बच्चे हैं जिनकी जो सिटी का जो इश्यू है वो एटलीस्ट बच्चे ऐसे हैं जिनकी अदर सिटी से जो लोग अप्लाई करते हैं ठीक है क्योंकि किसी ये पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे के घर के पास ही हो या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज ले लिया हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आप सभी को पता है कि आप लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं ठीक है मैं भी अदर सिटी से पढ़ता हूँ मेरे गाँव से यानी कि मेरे घर से दूर दूसरे डिस्ट्रिक्टों में पढ़ता हूँ तो एटलीस्ट आपका एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए और यार पोस्टपोन इज नॉट मैटर आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए बस पढ़ाई इम्पोर्टेंट है ठीक है तो मैं तो यही मतलब कहना चाहूँगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि मैं एटलीस्ट जो है यहाँ पर शिकर से दहली नहीं जा सकता या फिर गुड़गांव या फिर पटना या फिर तिरुवंतपुरम नहीं जा सकता पॉसिबल नहीं है तो एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए किसी भी हाल में पोस्टपोन होना चाहिए और आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा किसी भी हाल में होगा और ओमिक्रोन के जैसे अगर हम ग्राफ चार्ट की अगर हम देखें अदर आउट ऑफ इंडिया अगर, अगर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो हमेशा से बढ़ता ही जा रहा है और इसका जो पीक है एटलीस्ट आप मान सकते हो कि अप्रैल के अंदर आएगा तो आप एटलीस्ट आपको कम से कम एक महीने तक की तो ढिलाई देनी ही चाहिए आईआईटी आई खड़गपुर की जो भी टीम है ठीक है तो आप जिस ट्वीट करते रहिए यार जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम होना चाहिए लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जो बच्चे आउट ऑफ जो लाइक सिटी से डिस्ट्रिक्ट से है तो उनका कैसे हो पाएगा और अगर आपको जाते समय अगर कोविड हो गया कुछ अदर हो गया बुखार हो गया टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो आप लोगों को बैठने भी नहीं दिया जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर ठीक है समझ रहे हो तो इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए आई आई टी एन कमल के सोरसेन डिसाइडेड योर एग्जाम्स आर पोस्टपोन टिल रियली देन योर एग्जाम्स आर पोस्टपोन एंड पोस्टपोन ओके थैंक यू थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर खूब पढ़ते रहिए थोड़े दो गेट को अगर तुम्हारा एग्जाम बाद में हो तो